अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मिति हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का। और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां के जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे यूपी के अंदर। देखिए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिंडदान कर दिया। उत्तर प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की कर्म स्थली रहा है, कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, जहां से पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने का काम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का झंडा, डंडा, निशान, ये भी अखिलेश यादव जी को सौंप देना चाहिए। और ये जो दफ्तर है लखनऊ में, इसे बंद कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में ये काला दिवस है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कांग्रेस की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मुझे क्या लगता है कि मतलब कि अब गठबंधन हो रहा है, इनका पूरा हो चुका है, तो क्या यूपी में राहुल गांधी
चुनाव प्रचार के लिए आएंगी, क्योंकि सिंबल समाजवादी पार्टी का रहेगा। नहीं, वो कश्मीर में भी गए थे, क्या मिला? झुंझुना। वो तमिलनाडु में गए, क्या मिला? झुंझुना। हर जगह कांग्रेस खत्म कर दी, और उत्तर प्रदेश में तो दुकान ही बंद हो गई। तो ये जो बोर्ड लगा रखा है, इसे भी हटा देना चाहिए। वायनाड में कल प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसद भी वहां पहुंचे। प्रियंका गांधी के साथ 20 साल से साजिश हो रही थी कि उन्हें कैसे रोका जाए। 20 साल पहले अगर प्रियंका गांधी जी को इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया होता, तो आज कांग्रेस की सूरत दूसरी होती। लेकिन वो चुनाव लड़ रही हैं, पहला चुनाव लड़ रही हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।